I just work hard, yeah, harder than the rest. Some people say I'm lucky, others saying that I'm blessed. But I keep my head down, cause I crave progress. You ain't never gonna stop me, cause it's my conquest. And I'm never gonna rest, yeah. And y'all don't know that I'm a soldier. I always felt like I'm a loner when everybody thinks they know ya. And y'all don't even know I own ya. And now I'm ready taking over, cause every day I'm getting closer. Just look at everything I'll show ya. Well, hello guys, my name is Vivek and I'm really glad to welcome you guys back on my YouTube channel, that is Right to Vlog. New day, new opportunity. And जैसे कि आपने डे वन देखा होगा, तो डे वन में हम पहुंच चुके थे पठानकोट और ये हमने होटल लिया, ये देख रहे हो ओयो टेरेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रूम लिया था, तो 1000 rupees का रूम पड़ा हमें, तो सही है, डिसेंट है। ओयो आपको पता ही है कैसे होते हैं, मैंने आपको बता दिया था। चाय पी के निकलते हैं और टाइम अभी हो चुका है, कितना हो गया भाई टाइम, इट्स 7:30। तो यहाँ पे आपको भैया मिलेंगे, तो ये मिलेंगे, आप इनसे कांटेक्ट कर लीजिए। फिलहाल चाय पीते हैं दोस्त। रास्ता कैसा है वो नहीं पता हमें, वी आर नॉट अवेयर। बाकी अभी तक तो बहुत अच्छा रास्ता मिला हमें, बेहतरीन वाला, बढ़िया वाला स्क्रैच लगा हुआ है मेरी गाड़ी में, ठीक है। एंड थैंक गॉड कि मैंने लेमिनेशन करवा रखा है, अगर मैंने लेमिनेशन नहीं करवाया होता ना, तो सेम ये स्क्रैच मेरी टंकी पे पड़ना था। अब आई डोंट नो ये स्क्रैच कैसे पड़ा, पता नहीं मैग्नेट से पड़ा या क्या चीज़ लगी, हो सकता है मेरे से ही चाबी लगी हो या पता नहीं क्या लगा, लेकिन काफ़ी डीप स्क्रैच है। तो ये फ़ायदा होता है लेमिनेशन का, जो मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ कि लेमिनेशन करवा लीजिए बाइक पे। तो अब वापस जाके फिर से टैंक की लेमिनेशन दोबारा होगी, और फिर और मैंने एक ये नया सेटअप कर रखा है यहाँ पे, तो यही था कि लेमिनेशन करानी ज़रूरी है। बाकी हमने सामान जो है टाई कर दिया, जैसे पहले करा था सेम वैसे ही करा है, मतलब थोड़े बहुत स्ट्रैप इधर उधर हुए हैं, और ये मैंने रेन कवर चढ़ा दिए हैं इसके ऊपर, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं आगे, तो इस वजह से। बाकी इसमें रेन कवर नहीं चढ़ा, बाकी बाद में देखेंगे। ये भी रेडी है भाई भाई को बहुत मेहनत लगी भाई इसको बांधने में, पसीने आ गए। ये एक तरफ ना ढल रहा था, इस तरफ गिर रहा था बार बार, तब सही से करा। और हाँ, एक चीज़ हमने चेन ल्यूप भी कर दी दोनों बाइकों की, जो कि ज़रूरी थी, क्योंकि हमने कल 500 किलोमीटर राइड करी है ना, 500+ किलोमीटर। मैं आपको दिखा देता हूँ, लोग प्रूफ मांगते हैं। और ये जो रोड है ना, काफ़ी बिजी रोड है यार, मतलब गाड़ियाँ चलती जा रही हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखो अब आप ट्रिप ए, ये देखो 521 किलोमीटर की हमने राइड करी है यार, एक दिन में 521 किलोमीटर मायने रखते हैं, लेकिन रोड भी अच्छी थी इस वजह से हो गई, है ना। अब पहाड़ी रास्ते देखते हैं, रेडी गाइस, ये चलो फिर। और क्या हाईवे यार, वाह गजब, रियली इंप्रेस्ड, बढ़िया एकदम। और मौसम काफ़ी ठंडा ठंडा है, ठंडा ठंडा लग रहा है, क्योंकि हमें पसीना आ रखा है, और अभी हवा ठंडी ठंडी लग रही है, मस्त एकदम झकास। और हाईवे तो भाई बहुत बढ़िया लगा, और जो कि कल यानी कि डे वन जब हम पठानकोट पहुंचे थे, वो वाला हाईवे बड़ा क्लासिक था भाई, इसी तरह का हाईवे था, बड़ा क्लासिक था, वी डिडंट फील एनी टाइप ऑफ टायर्डनेस। और यहाँ पे मिलिट्री एरिया है एक्चुअली, यहाँ पे शायद यू नो फायर वगैरह की भी प्रैक्टिस होती है, क्योंकि हमने पटाखों की आवाज़ सुनी थी, आई बिलीव वो पटाखे नहीं थे। इस सुबह के 8 बज रहे हैं, जैसे आप सामने क्लॉक में देख रहे होंगे, तो सुबह सुबह 8 बजे निकल रहे हैं, और कहाँ हमें 6 बजे निकलना था। देखो हम जम्मू नहीं एंटर कर रहे हैं, हम बाहरों बाहर से निकल रहे हैं। देखो दो रास्ते जाते हैं श्रीनगर के लिए पठानकोट से, एक जम्मू होते हुए जाता है जो मेन जम्मू शहर के अंदर से निकलता है, और एक बाहरों बाहर निकलता है जो सीधा श्रीनगर पे जाके मिलता है, आई मीन टू द श्रीनगर जाता है। पेट्रोल पंप की कोई कमी नहीं है, मतलब पीछे से मैंने रास्ते में बहुत सारे पेट्रोल पंप देख लिए, रिलायंस मिल जाएगा, इसके अलावा HP, इंडियन ऑयल सब मिल जाएगा यहाँ पे, तो अच्छी बात है, पेट्रोल की कमी नहीं, और होटल्स की भी कोई कमी नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे भी रुक सकते थे, लेकिन वी वर नॉट अवेयर कि यहाँ पे भी आगे होटल्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और अंधेरा भी हो गया था, तो हमें रिस्क नहीं लेना था, पॉइंट इज कि रिस्क नहीं लेना था, दैट्स वाई हम पीछे शहर में ही रुक गए। और यहाँ पे रॉयल इनफील्ड का शोरूम एंड सर्विस सेंटर भी होगा, ये है यहाँ पे मेंशन है, मतलब रॉयल इनफील्ड तो है, तो इफ इन केस कुछ ख़राबी होती है तो यहाँ पे आप चेक करवा सकते हैं, नो इशू पठानकोट पे। एक चीज़ और मैंने नोटिस करी है, पीपल लव बाइकर्स, मतलब जो मैंने यहाँ पे लोगों को यू नो देखा है, ऑब्जर्व करा है, दे लव बाइक, ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस तो यही बोलता है कि दे लव बाइकर्स। तो चलो फिर अब पहाड़ी रास्ता शुरू होने वाला है, सामने आप पहाड़ देख रहे हो, जम्मू कश्मीर के पहाड़, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हूँ, आई एम रियली एक्साइटेड गाइज, आई होप यू आर ऑल्सो एक्साइटेड। फिर यहाँ पे ना जगह जगह कैमराज भी लगे हुए हैं, मैं बताऊँगा नहीं कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे रोड पे हर जगह कैमराज है, बिकॉज आप
हमारे यू नो आर्मी पर्सन की नज़र में हूँ हमेशा. एंड दिस इज द व्यू. व्हाट अ व्यू मैन, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू. वो देखो यार, एंड आई थिंक वो रेलवे ट्रैक है. दिस इज ब्यूटीफुल, वाओ. तो आई गेस हम जम्मू कश्मीर में एंटर कर रहे हैं, सो ये बॉर्डर वगैरह होगा, आई थिंक सो. एंड दिस इज ब्यूटीफुल, वाओ मैन. चलो अब अभिषेक की वीडियो में मैं फीचर होता हूँ. ऑलराइट, तो यहाँ पे पड़ता है आपका चेक पोस्ट और हम एंटर हो चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर. कठुआ पुलिस, अच्छा ये कठुआ पुलिस है. ऑलराइट ऑलराइट ओके, तो हमें कहाँ से निकलना है? ये रास्ता बंद है. ओके, तो यहाँ पे नेगेटिव रिपोर्ट चेक हो रही है आई गेस. फोन में दिखाते चल जाएगी. ओके, तो अगर आपके पास नेगेटिव रिपोर्ट है सो आप यहाँ पे रिपोर्ट दिखाओ और राइड करो. अगर आपके पास रिपोर्ट नहीं है तो यहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं ऑन द स्पॉट. जब तक रिपोर्ट आएगी आपकी तब तक आपको यहीं पे रखा जाएगा. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्या हुआ? ओके, सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज़ द फर्स्ट चेक पोस्ट वी एनकाउंटर्ड. कि पहली बार हमारी रिपोर्ट किसी ने चेक करी है. इससे पहले किसी ने भी कहीं पे भी रिपोर्ट चेक नहीं हुई हमारी. इनफैक्ट पंजाब वगैरह कहीं पे चेक नहीं हुई, बस यहीं पे चेक हुई है. ओके, सो लेट्स गो. और यहाँ पे है जम्मू कश्मीर बैंक. इफ़ इन केस आपको कैश निकालना है यहाँ से निकाल सकते हो. यहाँ पे ATM अवेलेबल है. उसके अलावा चेक पोस्ट है. सिर्फ RT-PCR रिपोर्ट चेक कर रहे हैं, बाकी डॉक्यूमेंट्स नहीं चेक कर रहे हैं. तो नो वरी अबाउट दैट. बाकी तो डॉक्यूमेंट्स आप रखो गई. और हमारा यहाँ पे नेटवर्क हो चुका है बंद. नाउ हमें रास्ता ढूंढना है. ब्रो तेरा नेटवर्क आ रहा है तो एक बार देख गूगल पे. हम मेरा तो एकदम नो सर्विस हो गया. एकदम देखते ही नो सर्विस, मतलब घुसते ही नो सर्विस. ऑलराइट, तो यहाँ से लगता है पहाड़ी रास्ता शुरू हो जाएगा हमारा. भाई मुझे क्या लगता है ये हाईवे चढ़ना पड़ेगा हमें. सर फोटो खींच रहा है तू? ऑलराइट, तो यहाँ निकलना है हमें. ओके, ये वही वाली बसें हैं जो आपने बजरंगी भाईजान में देखी होंगी. ओके, सो नेगेटिव रिपोर्ट यहाँ पे चेक हुआ जैसे आपने देखा. और प्रिंट आउट नहीं मांगा इन्होंने, दे जस्ट चेक्ड ओवर मोबाइल फ़ोन. सो ऑलराइट, दिस इज़ गुड. अब यहाँ पे रास्ता देखना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर के रास्ते कैसे हैं. शुरुआत तो अच्छी नहीं हुई मतलब देखने में, लेकिन कोई नहीं. ओके, तो यहाँ पे टोल प्लाजा है. आई डोंट थिंक हमें पे करना होगा. व्हीकल ओनली, अबे तो और क्या घुसाएगा आदमी, जेट थोड़ी लेके आएगा यहाँ पे. व्हीकल ओनली लिखा हुआ है, जेट लेके थोड़ी आएगा बंदा. दुनिया दीपी लेने राजा बैठा. अरे वाह, श्रीनगर में एंट्री होती सबसे पहला नेशनल फ्लैग मुझे देखने को मिला है. दिस इज़ ब्यूटीफुल, एंट्री होते ही नेशनल फ्लैग, वाह. तो चलो मतलब श्रीनगर मतलब आई मीन टू से जम्मू एंड कश्मीर में एंटर होते हुए. श्रीनगर अभी तो बहुत दूर है दोस्त. ओके, तो गाइस मैं यहाँ पे मतलब अभी जम्मू जा रहे हैं हम. तो जम्मू के रास्ते में ये नदी पड़ती है यार. ये नदी आप देख रहे हो, इसका कलर रेड है, मतलब रेड सॉइल है यहाँ पे. जहाँ से भी आ रही होगी ये रेड सॉइल की नदी है. अभी एक बार थोड़ा उतर के ज़रा ढंग से देख लेते हैं. ओके, तो सी मैन, रेड सॉइल है भाई साहब, एकदम रेड, लाल, बिल्कुल लाल, चिट्टा लाल रंग भाई साहब, ज़बरदस्त था. और वो भाई साहब भी फ़ोटो खींचते हुए. और उधर है पहाड़ और शायद पाकिस्तान उस तरफ पड़ता है, पाकिस्तान का बॉर्डर. हाँ बहुत करीब है, मतलब बहुत करीब है यहाँ से पाकिस्तान.
और अभी इंटरनल माइक से रिकॉर्ड हो रहा है। बाकी नदी वहाँ तक मुझे लाल नज़र आ रही है भाई, और वहाँ पे भी लाल है भाई, पूरी लाल नदी है। दिस इज़ रेड रिवर। अब इसकी फ़ोटो तो खींचनी बनती है ऐसी जगह, आओ तो फोटोज़ तो ज़रूर क्लिक करो। तो यही दिखाना था आपको, मुझे लगा कि आपको दिखाना चाहिए, मुझे तो अच्छा लगा देख के। आई डोंट नो इसका सोर्स कहाँ से है, पर रेड है भाई बिल्कुल एकदम, तो सही लगा। चलो अब आगे चलते हैं, और आगे एक गुरुद्वारा आप देख रहे होंगे सामने, जिसका जो टॉप है, जो ऊपर का हिस्सा है वो पूरा गोल्डन कलर का राइट, तो सही है बढ़िया। और जैसा ने बताया वहाँ सामने पाकिस्तान है, वहाँ सामने। और राइट गाइस, तो पेट्रोल डलवा लेते हैं उधमपुर से थोड़ा पहले हम तो। अरे बाप रे, दुनिया दी फील लेने राजा बैठा कल्ले। चलो 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 चलो, देखते हैं। अभी वैसे यहाँ पे टैंक हाफ शो कर रहा है, 596 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, मतलब 600 किलोमीटर ही समझो, 600 किलोमीटर हो चुका है। सो देखते हैं कितना सेल आता है इसमें। लेट्स सी, इंडियन ऑयल है ये, और सर्विस तो क्या ही बोलेंगे, क्या 1 रुपये कम हो गया। 1 रुपये कम है यहाँ, सही है। जलंधर के पीछे आपकी फुल है? हाँ जी मेरी फुल है, बहुत 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 नहीं कर लो। 650 मतलब तेरा एवरेज सही देती है। आपका 20 का ही बड़ा ज्यादा है, 20 रुपए का ही बड़ा आपके बाइक में ज्यादा। मेरा 700 कुछ का बड़ा है। नहीं कितना बड़ा था आपका? मेरा 770 बड़ा था। तेरा 770 था ना? ये 670 हुआ था। मतलब मेरी वाली ना 100 के ऊपर एवरेज है, 80 में चलाओ तो एवरेज है। तो हमने ये जेरी कैन लिया है, जेरी कैन बोलो या इनको डब्बे बोलो कुछ भी बोलो, ये हमें कितने के दिए, 250 रुपये के ना, 250 रुपये का ये 10 लीटर, ये हमने यहीं पे लोकल मार्केट से लिया। और बाकी पेट्रोल डलवा ही दिया है, बस वही चल रहा है। अब आगे से पहाड़ी रास्ता शुरू हो जाएगा। सीनिक ब्यूटी, हाँ सिनेमेटिक ब्यूटी, मैं वही पूछ रहा था, उन्होंने कहा कि अगर आपको सीनिक ब्यूटी चाहिए तो पहाड़ी रास्ता अच्छा, राइट वाला ना। लेकिन मुझे लग रहा है रोड पतली मिलेगी, फॉरेस्ट ही है ना। अच्छा तो भीड़ ना मिले यार, ये उड़ेगा तो नहीं। आगे से एक राइट हैंड साइड कटेगा रास्ता, और हमें राइट हैंड साइड वाला ही लेना है एक्चुअली में, ये वाला रास्ता चूज़ कर रहे हैं, और ये शॉर्टकट है, बोलते हैं श्रीनगर के लिए शॉर्टकट है। तो लेट्स सी गाइस, निकलते हैं इस रास्ते, और यहाँ से पहाड़ी हो जाती है शुरू धीरे धीरे हल्की हल्की, और यहाँ हर जगह आपको आर्मी के रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी ऑब्वियसली बात है। एंड नाउ लेट्स सी गाइस, रोड अच्छी होनी चाहिए, बाकी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया यार, पता है 10 बजने वाले हैं और ब्रेकफास्ट नहीं किया अभी तक हमने। एक्चुअली ये रास्ता फैल्कन राइडर्स जो हमारे डीजे भाई हैं वो भी सजेस्ट करते हैं कि दिन में आप यहाँ से निकल सकते हो अगर आपको सिटी में नहीं जाना है, और उनका मैप भी है मेरे पास, उनका मैप रखा हुआ है जेब में, क्योंकि उनके मैप में डिटेल्स प्रोवाइडेड है कि कहाँ कहाँ पेट्रोल पम्प है, कहाँ कहाँ क्या नहीं है, ठीक है। तो वही हैं, बाकी डीजे भाई डिटेल्स में सब कुछ बता ही देते हैं लद्दाख से रिलेटेड, तो मज़ा आता है। तो लेट्स गो। ओहो यहाँ पे ट्रक पलटा हुआ है भाई, बाप रे क्या बात है, क्या बात है। वो देखो अंकल जी कहाँ खड़े हैं जज्जे में। तो अभी हम रास्ते में जा रहे थे, और यहाँ पे बीच में मंदिर है माता जी का, तो प्रणाम करते हैं, जय माता जी, ठीक है। आपको भी दर्शन कराए मैंने, मतलब मैंने क्या कराया, आई मीन टू से करवाना चाहता था,
तो वो हनुमान जी हैं वहाँ पे और ये माता जी हैं। खूबसूरत और लुक देखो ना मंदिर का, कितना खूबसूरत लग रहा है। और वहाँ पे पानी भी है पीने के लिए, तो आप पानी वगैरह भी पी सकते हैं, काफ़ी अच्छा है यार। ओके गाइस, तो अभी हम पहुंच चुके हैं उधमपुर, और उधमपुर में रुके हुए हैं सम्राट होटल एंड रेस्टोरेंट। हम यहाँ पे इसलिए रुके हैं क्योंकि हमें रेकमेंड किया गया था यहाँ पे, एक्चुअली MI के स्टोर में गए थे तो उन्होंने हमें रेकमेंड किया कि सम्राट में जाइए, वहाँ पे आपको नॉनवेज जो है अच्छा क्लासिक वाला मिल जाएगा और पार्किंग भी सही है यहाँ पे, तो इस वजह से हम यहाँ पे आए हैं सम्राट में होटल एंड रेस्टोरेंट। ये बैठा अपना भाई यहाँ पे सामने, हेलो, और कुछ फोटोशूट वगैरह भी चल रही है हमारे रास्ते में। और यहाँ से श्रीनगर, मतलब अभी टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं 12:56 और 1 बजने वाले हैं, तो लगभग हम 2 बजे के आसपास यहाँ से निकलेंगे, तो मान के चलिए कि 6-7 बज जाएंगे श्रीनगर पहुँचते 7:30 तक बच जाएंगे। कोशिश करेंगे उससे पहले पहुँचें, और देखते हैं अगर श्रीनगर नहीं हो पाया तो उससे पहले कोई प्लेस ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे रुकें। और यही चीज़ है कि इसी वजह से हम जो है पहले ही बुक नहीं करते होटल, क्योंकि पता नहीं लगता कि कहाँ पे कितना टाइम लग जाएगा, तो इस वजह से इस पूरी ट्रिप में हमने कहीं पे भी होटल बुक नहीं किया है, ऑन द स्पॉट ही होटल ले रहे हैं, जहाँ पे भी जा रहे हैं वहीं पे होटल ले रहे हैं, है ना। क्योंकि क्या होता है कि हम अगर बुक कर लेते हैं तो फिर एक बाउंड्री क्रिएट हो जाती है कि भाई पहुँचना ही पहुँचना है वहाँ तक, उससे आगे नहीं जा सकते, उससे पहले नहीं रुक सकते। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, लग रही होगी तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कर देना। और भाई मज़ा आ रहा है बिल्कुल, पूरी राइड मस्त चल रही है, मस्त राइड चल रही है। और इसने अभी ना एक वो भी परचेज किया है, MI का जो एयर कंप्रेसर है ना, इसने MI का एयर कंप्रेसर परचेज किया है, क्योंकि हम ना फॉर्मूला X ढूंढ रहे थे, हमें मिला ही नहीं, हम इरिटेट हो चुके, तो भाई ने लास्ट में फिर कह दिया कि भाई अब मैं कंप्रेसर ही परचेज कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए एमरजेंसी के टाइम। बाकी जेरी कैन भी हमने परचेज कर लिया था, आपको दिखा दिया, हाँ होप जरूरत ना पड़े उसकी, ज़्यादा सही है। बाकी वही है, बाकी ठीक है, उधमपुर अच्छा शहर है, बढ़िया शहर है, सब कुछ मिल जाता है एसेंशियल्स, बस फॉर्मूला X नहीं मिलता, बाकी सब बढ़िया है। और चलो फिर अब मिलते हैं। बाकी यहाँ का अगर मैं दिखाऊँ आपको ओवरव्यू, तो रेस्टोरेंट काफ़ी बेहतरीन है, साफ़ सुथरा, हाइजीन एकदम, और बहुत अच्छे से आपको ग्रीट किया जाता है। सो दिस इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट हियर। सो चलो फिर अब आगे चलते हैं, फिर आपसे बात करते हैं आगे। I don't deal with people that are like a cancer. No, instead I hang with the people that enhance ya. And I'm not the type to give out second chances. I just wanna work on my own for myself. I don't need no help, not anybody else. Nah, man, I got it dealt. I'm working on my wealth and I'm working on my health. Keep on working to excel, cause I'm working on myself. It was very tough road, hai na? भाई बहुत टफ रोड थी, बोल रहे हैं कि आगे रास्ता सही है, पीछे तो बहुत ही खराब था भाई। धूल मिट्टी है, देखो यार आप धूल मिट्टी इसको देखो ना ये देखो भाई, पूरी धूल मिट्टी और बाइक का हाल देखो। और अभी मैं आपको ना एक खतरनाक चीज़ दिखाता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। एक्चुअली एक ऑटो वाला मेरे आगे था और उसने आगे की जगह पीछे कर दी। अब उसने जब पीछे करी तो क्या हुआ ये देखो यार, हुआ क्या कि उस ऑटो वाले ने पीछे लिया और मेरा जो ये सैडल है ये फट गया, ये जो रेन कवर था ये उसमें फंसा। और उससे नुकसान क्या हुआ कि ये देखो ये मेरे सैडल की सिलाई उधड़ गई, वो उसमें यहाँ पे फंसा और उसने पीछे खींच दिया एकदम, तो ये मेरा सैडल की सिलाई उधड़ गई यहाँ से। तो अब इसको ऐसे ही लेके चलना पड़ेगा मुझे श्रीनगर तक, और श्रीनगर में इसको ठीक कराऊंगा। सो दिस माइट हैपन, हो जाता है ये इस तरह की राइड्स में, और वैसे भी सैडल्स में आदत नहीं है हमें, तो वही है यार, अब किसकी गलती बोलें, अब किससे लड़े हैं ना। तो अब जो हो गया हो गया, अब इसको फिलहाल इसी तरह से मैं बंद कर दे रहा हूँ, इस तरह से फिलहाल मैं इसको पैक ही कर रहा हूँ। अब ये श्रीनगर तक ऐसे ही जाने वाला है, बस दिक्कत ना हो इसमें कोई, बाकी तो ठीक है, ये वाला सैडल इधर वाला ठीक है। और बहुत ही गंदी रोड हो रखी भाई साहब पीछे तो, और ये देखो यार हाल बाइक का। All right guys, so this is our second tunnel. और जो पीछे टनल पड़ी थी वो भी सेम ऐसी थी, मतलब इससे तो ज़्यादा क्लासिक थी वो, ये अभी नहीं बनी आई गेस। और ये जो इन्होंने फ़ैन लगा रखे हैं ये एक्चुअली में उसके लिए हैं, आपके ऑक्सीजन के लिए, हवा पास होने के लिए टनल के अंदर। और बहुत ही खूबसूरत टनल, हमारे जो मजदूर भाई हैं उनकी मेहनत और जितने भी इंजीनियर्स लगे हैं, वाह यार ग्रेट, हैड्स ऑफ टू यू गाइज, जिनकी भी मेहनत लगी है, जिन लोगों की मेहनत लगी है ऐसे टनल्स बनाने में और रोड्स बनाने में, यू गाइज आर ग्रेट यार, वाह भाई वाह। और रोड देखो यहाँ पे कितनी चौड़ी कर रखी है ना, जम्मू कश्मीर
डेवलप बहुत अच्छी तरह से हो रहा है और बहुत अच्छा बनने वाला है इन फ्यूचर में। लोग साथ दें, सब साथ दें। ओहो क्या घर है यार, वाह कितना बढ़िया बना रखा है यहाँ पे। यहाँ पे एक्चुअली में रिसॉर्ट्स और घर वगैरह बड़े क्लासिक हैं भाई। अभी 6 बज रहे हैं, 6:15 हो चुके हैं और टारगेट है कि 7:30 के आसपास तक कर ही लें हम क्लिक श्रीनगर, क्योंकि मार्केट भी घूमना है यार। और रात को वैसे भी श्रीनगर की मार्केट बंद हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल्सो सम यू नो, हाँ आपको पता ही है। ऑलराइट गाइस, तो अभी हाईवे पे ही चल रहे थे हम श्रीनगर के लिए मतलब फुल स्पीड में, लेकिन हमारी नज़र पता कहाँ पड़ती है, वहाँ वो देखो यार सनसेट हो रहा है यार, सनसेट। मतलब वैसे तो सनसेट रोज होता है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन नज़ारा देख रहे हो आप, कितना खूबसूरत नज़ारा है यार। अभी देखो वीडियो में आई डोंट नो कि कितना कैप्चर कर रहा होगा ये कैमरा, लेकिन खूबसूरत नज़ारा, मतलब मज़ा ही आ गया। ब्यूटीफुल। मैं एकदम रुक गया बाइक, मतलब मैंने अपनी बाइक एकदम रोक दी, मैंने कहा यार भाई नज़ारा तो बढ़िया है, इस नज़ारे को हम मिस नहीं कर सकते ना। तो वही है भाई नज़ारा, देखो आप ये देखो, आया मजा आया भाई, बहुत मजा आ रहा है ये देखो। ये चलो फिर चलते हैं अब श्रीनगर। ये ना वेलकम टू कश्मीर, सबसे पहली जो लाइन आई ना श्रीनगर में एंटर होते ही, जो लोगों ने बोला मतलब जो एंट्री में खड़े होते हैं ना ये रूट चलाने वाले, तो सबसे पहले ही चीज़ जो उन्होंने बोली वो बोली वेलकम टू कश्मीर। तो फुल्ली लोडेड होने की वजह से हम इजीली पहचान में आ रहे हैं कि हम बाहर से आए हैं और हमें रूम चाहिए। तो हमारे ये बहुत सारे लोग आने के भाई रूम दे दे डल लेक में हाउस बोट है वगैरह वगैरह। अच्छा और हाउस बोट है बढ़िया, बाइक का पार्किंग वार्किंग बढ़िया है भाई जान। पैसा कितना लोगे भैया? हमारे पास 1000 रुपये स्टार्ट है। अच्छा 1000-1500। सॉकेट वगैरह सब मिल जाए चार्ज करने के लिए? सॉकेट वगैरह हाँ पूरा है, पूरा होता है ना उसमें? पूरा होता है। और वो कहाँ पे है? डल गेट के पास है। हाँ डल गेट के जहाँ पर मेन जो टूरिस्ट स्पॉट है वहीं हाँ, पर है। हाउस बोट के पीछे पार्किंग वार्किंग पूरा है, बाइक का कोई टेंशन नहीं है पार्किंग का। अच्छा और फ्री पार्किंग है, कोई पैसा वैसा नहीं देना है पार्किंग का। अच्छा मेरे पास खुद का स्कूटी, आप आइए आप देखिए सर। अच्छा हाउस बोट बोल रहे हैं 1000 से स्टार्ट है, तो लेट्स सी कैसे वाली हाउस बोट मिलती है। ऑलराइट तो यहाँ पे देखिए गाइस कितने सारे टूरिस्ट लोगों की गाड़ियाँ खड़ी हैं। ओके श्रीनगर की अंदर की रोड इतनी खास नहीं है, कैंट एरिया की तो अच्छी थी और ये जो अंदर वाली रोड है ये इसमें कुछ खास नहीं है, ऐसी है। ओके तो तंदूरी बन रहा है भाई साहब, ईट स्ट्रीट एन अंग्रेज दुकान में अंग्रेज। ओके फिरंगी ओके तो हियर वी गो। और ये लोबी है छोटी सी, यहाँ पे है अपना रूम। ओके सो दिस इज हाउस बोट और ये अपना रूम है और यहाँ है वॉशरूम आई गेस। यस तो यहाँ पे वॉशरूम है आपका, बाथ टब भी है भाई साहब देख रहे हो। और क्या चाहिए आपको एक हाउस बोट पे? दिस इज समथिंग रियली गुड, इम्प्रेस्ड ब्रो। चलो अब बताते हैं आपको थोड़ी देर में और क्या क्या है। राइट वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम श्रीनगर डल लेक। और अभी उठे हैं यार, मतलब काफ़ी लेट सोए थे क्योंकि डेटा ट्रांसफ़र करना था, काफ़ी कुछ था, तो अभी यहीं पे है श्रीनगर में ही है। सोनमर्ग निकलेंगे दिन में या शाम के टाइम पे, क्योंकि पास में ही 80 किलोमीटर दूर है सोनमर्ग। मुझे एक एक्चुअली में HDD लेनी है, यानी कि एक हार्ड ड्राइव लेनी है और उसके साथ साथ मुझे बैग में भी कुछ काम करवाना है, तो इस वजह से थोड़ा यहाँ पे रुके हुए हैं और कुछ देर बाद जाएंगे। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ अपनी हाउस बोट का क्या सीन है ना। ये देखो यहाँ से गए बाहर, ये किया हमने अपना गेट बंद, ठीक है। और ये देखो भाई
ये टेरेस पे जाता है रास्ता ऊपर। उसके अलावा ये डाइनिंग रूम है, यहाँ पे बैठ के खाना वगैरह खा सकते हैं जैसे ग्रुप में आ रखे हैं तो। राइट, बड़ा ही खूबसूरत है, यहाँ पे आप फोटोशूट भी कर सकते हैं, बढ़िया एकदम मस्त लोकेशन। उसके अलावा यहाँ पे सिटिंग एरिया है जो कि काफ़ी शाही टाइप का है। आप यहाँ पे देखिए इस तरह से काफ़ी बेहतरीन तरह सजाया हुआ है। अगर इसकी आप नक्काशी देखेंगे, ये देखिए ऊपर से अगर ये दिखाऊं, ये देखिए इतना खूबसूरत है। यहाँ पे वर्क फ्रॉम ऑफिस यानी वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, एयरटेल यहाँ पे नेटवर्क आते हैं इसके एक्चुअली में। खूबसूरत एकदम बेहतरीन। ओके, तो यहाँ पे आई गेस कोई आ रखे हैं। ओके, तो ये है ज्वेलरी। तो भाई अपनी बढ़िया, मैं किसके लिए लूं यार, मैं तो जिंदगी में अकेला हूँ। घर वाले कहाँ। ओके, तो ये देखिए यहाँ से क्या खूबसूरत लुक है। ये डल लेक, ये अपनी बोट, एक ये यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए और भी है। देखो कितनी सारी हाउस बोट्स हैं यहाँ पे, बहुत सारी हैं। और उधर की तरफ भी हैं बहुत सारी हाउस बोट्स हैं वहाँ पे। वी विल एक्सप्लोर लेटर, आफ्टरनून में घूमेंगे तब। देहरादून फर्स्ट टाइम, ग्रेट। नहीं, यस्टरडे वाज फर्स्ट डे, टुडे सेकंड। हाँ, सोनमर्ग। Yeah, let's go.